तो क्या आपको भी चाहिए ऐसा निखार कि आपके चेहरे पर कुछ भी दाग धब्बा या कुछ भी ना हो? तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है कि इस वीडियो में हम क्या क्या, इस फेस पैक में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे जिससे हमारे चेहरे पर एक निखार आ जाएगा। तो यहाँ जो तीनों सामान है वो हमारे घर में ही अवेलेबल है, कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। वो है हमारा फर्स्ट मेन इन्ग्रीडियंट, वो है हमारा घर पर किचन में 24 घंटे रहता है, वो है आलू। आलू को यहाँ पर आपको पता है कि आलू हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है, तो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने आलू को वॉश के अच्छे से कद्दूकस कर लिया, और कद्दूकस आपको छिलके समेत ही करना है, छिलका उतार के भी कर सकते हैं, छिलके समेत भी मैंने कद्दूकस कर लिया और उसका रस निकाल लिया। और उस रस में मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, और थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है टमाटर का रस। यहाँ आप टमाटर को कट करके स्क्वीज़ करके भी निकाल सकते हैं या कद्दूकस करके भी निकाल सकते हैं, तो मैंने ओनली स्क्वीज़ करके टमाटर का रस निकाल लिया। इसमें कच्चे आलू का रस, मुल्तानी मिट्टी और टमाटर का रस, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना, एक पेस्ट बनानी है। आलू को आपको पता है कि ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, जो हमारे फेस पर दाग धब्बों को दूर करने का काम करती है। यहाँ आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको अपना चेहरा जो है वो पानी से अच्छे से क्लीन होना चाहिए, कुछ भी मेकअप आपके फेस पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने अपना फेस जो था ऑलरेडी क्लीन कर लिया था, देन मैं अपने बालों को सिक्योर कर लिया ताकि मेरे बालों पर कुछ भी प्रोडक्ट ना लगे। तो यहाँ मैं अपने पूरे फेस पर ब्रश की हेल्प से इस फेस पैक को जो बनाया है उसे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप फिंगर्स की हेल्प से भी अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको पता है कि फेस्टिवल सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और कल है राखी, तो और आप सभी घर अपने घर जाएंगे, तो क्या रहता है कि लेडीज़ को यही होता है कि हम जो हमारी स्किन है वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखे, काफ़ी ग्लोइंग दिखे। तो इस फेस पैक को आप ट्राई करना आज ही, आपको एक ही दिन में काफ़ी अच्छा आपको अपने चेहरे पर डिफरेंस लगने लगेगा। आपकी ऑयली स्किन है, आपका ऑयल दूर हो जाएगा, टैनिंग है वो ठीक हो जाएगी। आपको इसे हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मैंने सामान यूज़ किया है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ भी बाहर का मार्केट का प्रिजर्वेटिव नहीं है। मुल्तानी मिट्टी मोस्टली सबके घर में होती है, आलू किचन किंग जिसे हम बोलते हैं वो तो हमारे घर में होता ही है, टमाटर भी होता है। तो आपको पता है कि ये हमारी बॉडी के लिए कितने अच्छे हैं आलू एंड टमाटर, तो आप सोच ही सकते हैं हमारी स्किन के लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे। कंज्यूम करने पर इतने इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हम इन्हें एज अ फेस पैक अपने चेहरे पर, एज अ फेस मास्क अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे, तो हमारी जो स्किन पर दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं, जो आलू है, आलू में होता है स्टार्च जो हमारी स्किन को टाइट करने का काम करता है, हमारे जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उसे ये मिनिमाइज़ करता है। तो 5 से 7 मिनट मैंने इसे अपने फेस पर रखा है, और देन ये सेमी ड्राई हो जाएगा। कभी भी किसी भी फेस पैक को आपको फुल ड्राई नहीं करना है, सेमी ड्राई हो, जब हल्का फुल्का गीला हो, हल्का फुल्का सूखा हो, तो आपको इसे हाथों से मसाज करते हुए, थोड़ा सा हाथ को गीला कर लें और मसाज करते रहें, और इस तरह से स्पॉन्ज की हेल्प से इसे रिमूव करें, तो आप देख सकते हैं कि कितना एक वन टाइम यूज़ में ही काफ़ी आपको डिफरेंस दिखने लगेगा, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ऑयल जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो ऑयल निकलना अब कम हो जाएगा और आपकी स्किन एकदम से ग्लो करेगी। अगर आप इसे हफ्ते में 2-3 बार लगाएंगे, अगर आपके फेस पर दाग धब्बे हैं तो वो भी धीरे धीरे लाइट हो जाएंगे, और आपकी जो स्किन है वो ब्राइट दिखने लगेगी। तो इस फेस पैक को आपको हफ्ते में ज़रूर ट्राई करना है, 2 या 3 बार ज़रूर करें। तो आई थिंक मैं श्योरिटी लेती हूँ कि आपको पार्लर जाकर पैसा इन्वेस्ट करने की और इवन टाइम भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इस फेस पैक जो है काफ़ी कमाल का है, बहुत अच्छे इसके अमेजिंग रिजल्ट हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 1 टाइम यूज़ में ही मुझे बहुत अच्छा लगा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।